अत दी गर्मी दे दिनां च जिथे पारा 40 तो पार पहुंच गया है ते अग बरसा रहा है, उत्थे ही पिंडां शहरां विच भी लाइट की किल्लत कारण आम लोगों नूं बहुत मुसीबतां दा सामना करना पै रहा है। जिसके चलदे आ मौसम माहर वालों आने वाले दिनों च किस तारीख तो गर्मी तो निजात मिल सकती है, मानसून कित्थे तक पहुँच गया है, हर चीज़ बारे जाणू करवाया गया। पिछले तकरीबन 3 दिनों तो इंटेंस हीट वेव चल रही है पूरे नॉर्थ इंडिया से, ते उदे नाल नॉर्थ इंडिया दे पंजाब दे कई हिस्सों च टेंपरेचर जिहड़ा हैगा 42 डिग्री सेल्सियस प्लस ही रहा। ईवन साडे लुधियाणा दे विच कल 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिहड़ा कि काफ़ी हाई टेंपरेचर हैगा है। इस वेले ज़्यादा सानू तां वी महसूस हो रहा क्योंकि ह्यूमिडिटी भी इस वेले काफ़ी हाई हो गई है, क्योंकि मानसून करंट जिहड़ा हैगा है 3 जून जदों केरला कोस्ट ते सैटअप होया, उहदे बाद काफ़ी उहदी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, वह गांह नूं मूव कर रहा है, महाराष्ट्र क्रॉस करके गुजरात एंटर कर रहा है। सो उम्मीद की जाती है कि जून दे लास्ट वीक तक पंजाब विच भी मानसून जिहड़ी हैगी है उहदी आमद हो जाएगी। सो हवावां दी भी दिशा क्योंकि इस वेले सदरली चल रही है ज़्यादातर, सो हवा जिहड़ी आ रही हैगी है वह क्योंकि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल तो मॉइस्चर लैके आ रही है, तो टेंपरेचर भी बदलना ह्यूमिडिटी भी बदलना काफ़ी इंटेंस हीट वेव लोगों को फील हो रही है, एंड जिन्हों असी कहने कि सफोकेटिंग गर्मी फील हो रही है, बट कंडीशनस जिहड़ियां हैगियां ने हीट वेव होने करके एक होर सिस्टम मूव इन कर रहा है, जिदे नाल 11 जून तो पंजाब दे विच असी देखांगे कि बदलवाई वाला मौसम हवावां भी चलनगियां, एंड उहदे बाद तकरीबन ये सिस्टम जिहड़ा है 12 तो काफ़ी एक्टिव फेस च आ जाएगा, तो 12-13 जून नूं पूरे पंजाब दे विच वाइड स्प्रेड रेनफॉल की फोरकास्ट है। इहदे विच पर्टिकुलरली जिहड़े साडे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स है उत्थे कुछ एक थावां ते मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, बाकी थावां ते लाइट टू मॉडरेट हैगी है, एंड क्योंकि ये सिस्टम दे नाल हवावां भी चलनगियां ते थोड़ा गर्मी तो राहत मिलेगी लोगों को जो टेंपरेचर थोड़े डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो भी टेंपरेचर 40 डिग्री तो थले चला जाता तो लोगों को काफ़ी राहत होंगी इस चीज़। एदा मेन रीज़न ये है कि पिछले दिनों जिहड़ा एक सिस्टम आया सी जिहदे नाल पंजाब दे विच काफ़ी वाइड स्प्रैड रेनफॉल बदलवाई हुई है, वह जो मूव करता है तो ये सीजन ही यहोजा होंगे कि ये एक पहलों हीटवेव आता है, हीटवेव आने टेंपरेचर राइज होंगे है जो 42-43 या इस तो भी ज़्यादा 44 तक भी पहुँच जाते हैं या 45 भी कई बार हो जाते हैं, फिर वो अपने आप ही एक लो प्रैशर क्रिएट हो गया, उसके बाद एक हाई प्रैशर सिस्टम आना ही होंगे है, तो वो लोगों को थोड़ी गर्मी तो राहत मिल जाती है। हकीकत टीवी पंजाबी लुधियाणा तो सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।